अंग्रेजों के समय स्वतंत्र मछंड रियासत के अंतरिम महाराज नरेंद्र सिंह जयदेव की अंतिम इच्छा अपनी रियासत में जनता के लिए मुक्तिधाम ना बना पाने की अधूरी इच्छा पूरी ना होने से उनके वंशज काफी दुखद हैं। स्वतंत्र नए भारत के निर्माण में रियासतों की विलय की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी और नए भारत के निर्माण में जनक एनकेन छोटी छोटी रियासतों को नए भारत के निर्माण में विलय करते जा रहे थे। उन्हीं में से एक छोटी सी रियासत में जमींदार हुआ करते थे जिनका नाम था मछंड रियासत, जिसके स्वर्गीय राजा रघुवीर सिंह जुदेव थे। उन्होंने सरदार स्कूल वर्तमान नाम सिंधिया ग्वालियर स्कूल में सीनियर क्राइम ब्रांच की पढ़ाई कर 1916 से लेकर 1947 तक इस राज्य पर सक्रिय रूप से कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जो जन कल्याणकारी थे। उनका सीधा लाभ उनकी प्रजा को मिलता था, इसीलिए उनका नाम प्रजापालक राजा में होने लगा। जब वो वृद्ध हो गए थे तो छोटी रियासतें नए भारत के निर्माण में विलय कराई जा रही थी। तभी उन्होंने देशहित में अपनी रियासतों को विलय करने की इच्छा दी थी और साथ ही ऐसा कार्य उन्होंने कहा था कि ऐसा कार्य अवश्य करूंगा कि हमारे क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी गर्वित होकर उन्हें याद करे। उन्होंने एक मुक्ति धाम बनवाने की सोची और उसके लिए 12 बीघा जमीन भी दान में दी और शर्त रखी कि इस जगह को हमारे पूर्वज की धरोहर के रूप में शासन संरक्षित करे। और इसी सोच को साकार मूर्त रूप दिलवाने से पहले ही वो स्वर्गवासी हो गए। इस कारण उनका ये सपना आज भी सपना बना हुआ है। आज भारत को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस रियासत के राजा के वंशज सरकार से अपने पूर्वजों को सपना साकार करवाने की गुहार लगा रहे हैं। अब इस पीड़ा को उनके वंशज राजा नृपेंद्र सिंह जयदेव ने सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद हमारे पूर्वज को धोखा देकर हमारी रियासत को भारत सरकार के अधीन कराकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे पूर्वज और हमारी प्रजा के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि धोखा देकर उन्होंने हमारे अधिकारों को छीन लिया है। यही कारण है कि अधूरी राजा की इच्छा की पीड़ा का दंश पूरे क्षेत्र में खुले में दाह संस्कार कर चुका है। यहाँ पर जो मछंड ग्राम में मुक्ति धाम है, यह पूर्व में राजा नरेंद्र सिंह जी के द्वारा एक जमीन जो है दी गई थी मुक्ति धाम के लिए शासन व्यवस्था के अनुसार, जिससे कि जो है लोगों को जिनके पास खुद की जो है जमीन नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर ग्रामीण इलाके में खुद की ज़मीन पे लोग जो है दाह संस्कार करते थे। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी लोग, गरीब लोग थे जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, तो मुक्ति धाम की व्यवस्था की गई थी। उस पे 12.5 बीघा के आसपास ज़मीन जो है उस समय राजा नरेंद्र सिंह जी ने अलॉट की थी, जिसको जो है राजा रघुवीर सिंह ने पट्टे के रूप में यहाँ के जो है शासन को जो है मुक्ति धाम के रूप में अलॉट की गई। पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठे हुए को व्यवस्था नहीं है, घूरे डाल रहा है। 12 बीघा जमीन है, 12 बीघा जमीन है शमशान घाट की, बहुत पुरानी राजा नरेंद्र सिंह जी देखो जमाने की। आज मौका पर 2 बीघा नहीं है, आज 2 बीघा नहीं है।